हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फिर क्या हाल चाल है। वैसे दोस्तों, आज का वीडियो कहीं ज़्यादा दमदार होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो बेहतर से बेहतर बने, जो आपको पसंद आए। तो फिर दोस्तों, एनीवेज टाइम वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है क्या कि रॉकस्टार बैंड कहीं ज़्यादा फेमस है, रॉकस्टार बैंड के आर्टिस्ट जो कहीं ज़्यादा फेमस है, और साथ ही रॉकस्टार बैंड का ओनर पिंटू भाई जो कहीं ज़्यादा फेमस है, उसके बावजूद भी रॉकी के बाद आखिर रॉकी 2 क्यों नहीं निकल रहा। वैसे दोस्तों, ये सवाल कहीं लोगों के दिमाग में होगा, लेकिन शायद उन लोगों को उनके सवाल का जवाब नहीं मिला होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, इस बैंड इंडस्ट्री में कई सारे बैंड के ओनर है जिनके पास 2 से 3 बैंड मौजूद है, जैसे कि दोस्तों एमके और एमजे स्टार बैंड के ओनर जयेश भाई, और साथ ही सुब्राज 123 बैंड के ओनर है अजीत भाई। लेकिन दोस्तों, जो बंदा पूरी बैंड इंडस्ट्री का किंग है, आखिर उनकी एक ही बैंड क्यों है। वैसे दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन ये लेजेंड लोगों की सीक्रेट बात होती है। वैसे दोस्तों, बात कुछ ऐसी कि कुछ लोग पैसे तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन लोग को पता नहीं होता कि इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कैसे करना है और किस जगह पर करना है, ये तो सिर्फ लेजेंड लोगों को ही पता होता। लेकिन दोस्तों, चलो मान ले कि रॉकी स्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई रॉकी के बाद रॉकी 2 बैंड अगर ओपन कर भी ले, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात ये आती है कि रॉकी और रॉकी 2 तो एक साथ नहीं रहने वाले कि वहाँ पर उन दोनों बैंड में पिंटू भाई एक साथ एंट्री करें। वैसे दोस्तों, कुछ लोग ये कहेंगे कि पिंटू भाई की दोनों में से एक बैंड में एंट्री हो या फिर ना हो, क्या फर्क पड़ता है, बस बैंड का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर नहीं खत्म होती। लेकिन दोस्तों, रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई की एक खासियत है, रॉकस्टार बैंड का प्रोग्राम चाहे कहीं पर भी हो, छोटा हो या फिर बड़ा, लेकिन रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई की एंट्री तो दमदार ही होती है। क्योंकि दोस्तों, पिंटू भाई की एंट्री इतनी ज़्यादा दमदार आती है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, और पसंद करने की वजह से रॉकस्टार बैंड की डिमांड आज कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है कि लोग पिंटू भाई के तो फैन बन चुके हैं, और साथ ही रॉकस्टार बैंड जो कहीं ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन अगर पिंटू भाई अगर रॉकी 2 निकाल भी ले, तो एक बैंड में पिंटू भाई की कमी तो पड़ ही जाएगी। वैसे दोस्तों, रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई की कोई जेरक्स कॉपी हो वो तो अलग बात है, या फिर पिंटू भाई के अंदर कोई ऐसी जादुई शक्ति हो कि एक बैंड में एंट्री कर ली और चुटकी बजाते ही गायब हो गए और दूसरी बैंड में एंट्री करने के लिए निकल गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों दोनों बैंड के परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है। अगर रॉकी के बाद रॉकी 2 भी आ गई तो पिंटू भाई के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि वो किसी और काम में अपना टाइम निकाल सके, क्योंकि दोस्तों पिंटू भाई को इन दोनों बैंड के अंदर ही अपना सारा टाइम निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों बैंड के अंदर अपना टाइम तो देना ही पड़ेगा। साथ ही छोटी मोटी अपडेट के लिए इन दोनों बैंड को तो अपडेट भी करना पड़ेगा, साथ ही दोस्तों इन दोनों बैंड में बेस्ट आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। चलो मान लिया कि अगर पिंटू भाई अगर कहीं से आर्टिस्ट भी ढूंढ के लाते हैं, फिर भी दोस्तों पिंटू भाई को इन रॉकी 2 और रॉकी को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों बैंड में बेस्ट परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर रॉकी का बेस्ट परफॉर्मेंस है और रॉकी 2 का एकदम बकवास परफॉर्मेंस है, तो दोस्तों रॉकी 2 का पूरा वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगा। चाहे फिर बैंड कितनी भी फेमस क्यों ना हो, अगर उनका परफॉर्मेंस बेकार है तो लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, और देखते ही देखते उस बैंड का पूरा मार्केटिंग वैल्यू कम हो जाएगा। और दोस्तों, जिस तरह पब्लिक MTR की एक दमदार ट्यून की बड़ी डिमांड करती है, कुछ उसी तरह पिंटू भाई की दमदार एंट्री की भी डिमांड करती है। क्योंकि दोस्तों, रॉकी के सभी फैन को एक नशा हो गया है पिंटू भाई की एंट्री का, चाहे प्रोग्राम में रॉकी बजे या फिर ना बजे, लेकिन पिंटू भाई की एंट्री तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पिंटू भाई की एंट्री नहीं होती तब तक पब्लिक को सुकून नहीं मिलता, और पिंटू भाई की एंट्री के बिना तो वहाँ पर सुना सुना लगता है और फिर मजा नहीं आता, और वहीं पर रॉकी के सभी फैन नाराज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कहीं पर रॉकी 1 का प्रोग्राम हो तो दूसरी तरफ रॉकी 2 का प्रोग्राम हो और पिंटू भाई जो है वो रॉकी 1 के अंदर हो, लेकिन दोस्तों जहाँ पर रॉकी 2 है वहाँ पर पब्लिक की डिमांड है कि पिंटू भाई की एक दमदार एंट्री हो, लेकिन दोस्तों वहां पर पिंटू भाई नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिंटू भाई जो है वो रॉकी 1 के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक तरफ रॉकी 2 है, वहां पर पिंटू भाई की एंट्री के लिए पब्लिक की बहुत ही बड़ी डिमांड है, वहां पर अगर पिंटू भाई की एंट्री ना हो तो फिर क्या होगा? होगा दोस्तों कुछ नहीं, बल्कि लोग नाराज हो जाएंगे और कुछ लोगों का दिल टूट जाएगा, क्योंकि जिनका दिल टूटता है उन्हीं को पता होता है कि दिल का दर्द कितना ज्यादा गहरा होता है, और साथ ही पिंटू भाई के ऊपर से लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा। और वैसे एक तरफ देखा जाए तो पिंटू भाई की एंट्री का डिमांड बिल्कुल लोगों के मन में से गायब हो जाएगा, और साथ ही एक तरफ रॉकस्टार बैंड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों, आपको ना मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे कुछ लोगों की 2-3 गर्लफ्रेंड होती है, वैसे दोनों को तो टाइम दे पाते हैं, लेकिन तीसरी को टाइम ना देने की वजह से तीसरी जो होती है वो छोड़ के चली जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही हो सकता है रॉकस्टार बैंड के साथ, जैसे कि दोस्तों एमजे और एमके स्टार बैंड के ओनर जयेश भाई के साथ हुआ है। दोस्तों एक वक्त था, यानी 2021 और 2022 के टाइम में, उस वक्त एमजे स्टार बैंड कहीं ज्यादा पॉपुलर थी, और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी कि लोग उन्हें कहीं ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों एमजे स्टार बैंड का जो परफॉर्मेंस था वैसा परफॉर्मेंस किसी भी बैंड के अंदर नहीं
नहीं देखने के लिए मिलता था। लेकिन दोस्तों एमजे स्टार बैंड के ओनर जयेश भाई ने दूसरी बैंड ओपन करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दोस्तों एमके स्टार बैंड के चक्कर में उसने अपनी पॉपुलर बैंड एमजे स्टार बैंड को भी गवा दिया। क्योंकि आज दोस्तों एमजे स्टार बैंड के सभी पॉपुलर कारीगर आज एमजे स्टार बैंड में नहीं है, और साथ ही एमजे स्टार बैंड आज की कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है, यानी दोस्तों डाउन हो चुकी है। और साथ ही एक तरफ बैंड में से एमजे स्टार बैंड के ओनर जयेश भाई का एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी खो चुका है। तभी दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रॉकी स्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई आज रॉकी 2 ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि दोस्तों दूसरी बैंड के चक्कर में पिंटू भाई अपनी पॉपुलर बैंड रॉकी स्टार बैंड का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं खोना चाहते, और साथ ही रॉकी स्टार बैंड के जितने भी फैन हैं उन सभी को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। क्योंकि दोस्तों पिंटू भाई को पता है कि लोगों ने मुझे साथ दिया है तभी आज मैं इस मुकाम पे हूँ, अगर उन्हीं लोगों का आज मैं दिल तोड़ दूँ तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर दोस्तों इसी बात को देखते हुए पिंटू भाई आज रॉकी 2 नहीं निकाल रहे और फाइनली रॉकी स्टार बैंड को ही कहीं ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं। वैसे दोस्तों रॉकी स्टार बैंड इतनी ज़्यादा पॉपुलर है तो फिर दूसरी बैंड की क्या जरूरत है। वैसे दोस्तों एक लालच ऐसी चीज़ है जो इंसान को जमीन से आसमां तक पहुँचा देती है, वैसे इस बात को तुम ध्यान रखना मेरे दोस्त। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा, और जिन लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा था रॉकी स्टार बैंड के ऊपर शायद उन लोगों का भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड मैं एक दमदार सा वीडियो लेके, और मैं कोशिश करूंगा कि अपना हर एक वीडियो बेहतर से बेहतर बने। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।